जो पहली बार लोकसभा चुनाव में
अपना वोट डाल रहे हैं। ये हमारे नौजवान 20वीं सदी की सोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाला भारत चाहते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है उसका उदाहरण मैं यही मध्य प्रदेश से देना चाहता हूं। बिजली की स्थिति क्या है? कांग्रेस का वादा था कि बिजली का बिल कम करने का, और इसका तरीका उसने निकाला कि आप लोगों के घर में जितनी शिवराज जी के समय में बिजली मिलती थी उसे हाफ बिजली देकर कांग्रेस सरकार आपका बिजली बिल कम करने की फॉर्मूला पर चल। ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? क्या जनता के साथ ऐसा खेल है? ये पूरा क्षेत्र को पावर हब रहा है, पावर हब। बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर है, बल्कि आपका एक चौकीदार जो सौर ऊर्जा पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के लिए हम जो अभियान चला रहे हैं उसका एक अहम सेंटर क्षेत्र होने वाला है। दिल्ली में भी मौका मिल गया तो क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देख करके पता चलता है कि फिल्म कैसी होगी। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कल्चर का ट्रेलर दिखा रहा है। 6 महीने में जो पाप उन्होंने शुरू किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पता है सामने लोकसभा का चुनाव है, उसके बावजूद भी वो अपनी आदत से निकल नहीं पा रहे और उसका जो ट्रेलर देख करके कांप उठता है मन कि ऐसे लोग 70 साल दिल्ली को कितना बर्बाद कर दिया है। लोगों कर्ज माफी का झूठा वादा, यहाँ जो किसान है, जरा मैं इन किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनका कर्ज माफ हुआ? क्या जोर से बताइए। करते हैं घूम के कह, भाई बहनों इतना झूठ बोलने की इनकी आदत, इतनी ताकत, मैं तो हैरान हूँ। कर्ज माफी किसके लिए लाते हैं? कोई आदिवासी किसान क्या उसको कभी कर्ज मिलता है? वो कभी कर्ज लेता है? किसी दलित किसान को कर्ज मिलता है? वो कभी कर्ज लेता है? ये उनके मुट्ठी भर जो यहाँ दोस्त है वो ही कर्ज लेते हैं और हर 10 साल के बाद उन्हीं का कर्ज माफ होता है। दलित किसान को कुछ नहीं मिलता। आवाज छोड़कर समझ आ गया होगा कि कांग्रेस पर भरोसा का मतलब क्या होगा। भाइयों बहनों, कर्ज माफी तो दूर, कांग्रेस किस तरह गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही है, निवाला मरना चाहता। साथियों, मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए, प्रसूता माताओं के लिए, गरीब माताओं बच्चों के लिए दिल्ली से पैसे भेजती है ताकि जो प्रसूता माता है उसको प्रसूता के समय 9 महीने अच्छा खाना मिले, उसका शरीर ताकतवर हो,
ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त हो और देश को तंदुरुस्त बेटा बेटी मिले। बातें आ रही है, पूरे भर भर के नोटें मिली है। आपको पता है कि चुगले रोड कहाँ है, गरीब के निराले का पैसा, प्रसूता माता के पोषण का पैसा ये चोरी कर करके वहां पहुंचा देते भाइयों, बंदर के बंदर जाते। और यही पैसे नामदार के प्रचार में लगा दिया गया साथियों। और मजा है उनके जो चेहरे चपाटे हैं वो मोदी को पूछते हैं कि मोदी तुम विरोधी दल वालों के यहाँ रेड क्यों करते हो। एक कोई रेड मोदी करता नहीं है, पार्लियामेंट का काम करता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि रेड भाजपा के यहाँ हुई कि कांग्रेस के यहाँ हुई। मुद्दा ये है इतना सारा माल कहाँ से निकला, क्यों निकला, लेकिन उस मुद्दे की चर्चा नहीं करते। इनके चेहरे चपाटे चर्चा ये करते हैं कि कांग्रेस वालों के यहाँ रेड क्यों हुई। भाइयों बहनों, रेलवे में जो टिकट लेकर के जाता है उसको कोई पकड़ता है क्या? कोई पकड़ता है क्या? बिना टिकट जाएगा उसी को पकड़ेगा ना, जो चोरी करेगा वही पकड़ा जाएगा, जो चोरी नहीं करेगा कौन पकड़ेगा उसको? हमको क्यों पकड़ा? हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो नेता है, हम तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार है। अरे देश का कानून हर एक के लिए समान होता है। अगर मोदी गलती करता है तो मोदी के घर पर भी इनकम टैक्स रेड करना चाहिए। सूची नहीं दे रहे, लग रहा है कि सूची नहीं है, बैंक अकाउंट
अकाउंट देंगे और मोदी सीधा पैसा देगा तो ये किसानों के सामने इनकी पोल खुल जाएगी। मुख्यमंत्री जी, मैं जानता आप बहुत बिजी है, मैं जानता हूं चुनाव के बाद आपके लिए स्विट्जरलैंड जाना जरूरी था, आप बहुत बिजी है, बेटे को सेट करना है उसमें आपको बहुत काम है, आप बिजी है, आपके पीए भीए जो रहे हैं उनके घर लौटे जो बोले बच्चे निकले उनको बचाना है, लेकिन किसी और को अफसर को दे दो, उनको बोलो कि भाई मोदी जी निश्च मांग रहे दे दो, किसानों को फायदा नहीं जाएगा, नहीं करेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, जब इस बार मध्य प्रदेश से आप भारतीय जनता पार्टी को सबकी सब सीटें जिता करके देंगे, 23 मई को चुनाव नतीजा आएगा और ये किसानों के भविष्य पर ताला लगाने वाली जो पूरी है उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सबको किसानों के नाम उनको भेजेंगे, लाइन में आ जाएंगे। भाई बहनों, किसानों को सीधी मदद के अलावा हम सिंचाई और भंडारण की भी एक मजबूत व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में ग्राम भंडारण योजना बनाने वाले हैं ताकि गांव के पास ही भंडारण की उचित व्यवस्था किसान को मिले। इसी तरह जो वन उपज इकट्ठा करते हैं उनकी अच्छी कीमत मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे समर्थन मूल्य के दायरे में वनपद से शरबत, जैम, चटनी, आचार जैसी अनेक चीजें बन सके, दवाइयों में काम आए, आयुर्वेद के लिए मदद हो, अच्छे से अच्छी मार्केटिंग हो, इसके लिए विशेष वन धन केंद्र बनाया जा रहा है। यानी वन धन केंद्र से कमाई होगी और जनधन खातों में पैसा जमा होगा। जनधन से वन धन तक आदिवासी बहन भाइयों की पूरी चिंता ये चौकीदार कर रहा है। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, देश के विकास में एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है। वित्त क्षेत्र को महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका बहनों की है। से जुड़े काम के लिए पैसे की दिक्कत न आए, इसलिए इस चौकीदार ने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे दी है। स्वर के जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसको हमारी बहने तेजी से पूरा कर रही है। भाइयों बहनों, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ मध्य प्रदेश के देश के गांव गांव में आज दिखने को मिल रहा है और इसके लिए मैं शिवराज जी ने जो सरकार चलाई उस समय जो काम किया उसका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई व्यवस्था के बारे में भी बताना चाहता हूं। पूरी तरह से समर्पित है, जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अस्पतालों में सुरक्षित मां
सुनिश्चित कराने की योजना, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्कूल और घर में बच्चों को तैनात करने का फैसला लिया गया। पहली बार महिला फाइटर पायलटों ने देश की ताकत बढ़ाई है और इसमें भी मेरे युवा की बेटी, मध्य प्रदेश की बेटी, उसने भी देश का नाम रोशन किया। भाइयों बहनों, राष्ट्र रक्षा के लिए लड़ना, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित होना, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे एक मुख्यमंत्री ये सुनकर के आप चौंक जाओगे, मुझे मालूम नहीं है उनकी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए शायद ये बात न भी छपी हो, आगे भी छपेगी नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं बता देता कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री जो सरकार कांग्रेस चलाती है, उस मुख्यमंत्री ने एक गंभीर प्रकार का बयान दिया और न ही वो माफी मांग रहे हैं, न ही कांग्रेस पार्टी माफी मांग रही है, न कांग्रेस के नामदार माफी मांग रहे हैं, न ही उनके चेले चपा के कांग्रेस को सवाल पूछ रहे हैं। बताओ, याद रखोगे कांग्रेस का जवाब मांगोगे, हर कांग्रेस का जवाब मांगोगे? ये कर्नाटक की कांग्रेस जो सरकार चला रही है, उसके मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जो जवान जाते हैं वे भूखे मरते हैं, ये रोटी का पैसा नहीं है, इसलिए वो सेना में जाते हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कि हमारी देश की सेना का अपमान है कि नहीं? वीर जवानों का अपमान है कि नहीं? उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं जिन्होंने वीर बेटों को जन्म दिया, उन मां का अपमान है कि नहीं? है क्या जान हथेली पर लेकर के दुश्मनों की छाती पे गोलियां डालने के लिए मां के पैर झुकर के जो सीमा पर जाता है, यूनिफॉर्म पहन करके दिन रात ड्यूटी करता है, उसकी आंखें दिन रात दुश्मन को तलाशती रहती है, क्या ये भूखा मर रहा है? इससे तो इसका जवाब मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, उनको सजा करेंगे नहीं करेंगे? भाई बहनों, ये चुनाव मौका है देश के इस प्रकार से अपमानित करने वालों को सजा कर। आतंकवादी देश में मौज का पूरा खेल खेलते रहे और पाकिस्तान ऊपर से नाचता रहा, हमारी मजाक उड़ाता रहा। लेकिन भाइयों बहनों, ये नया हिंदुस्तान है, अब हिंदुस्तान ये सहन नहीं करेगा, करना चाहिए क्या? ये आतंकवादियों का जुल्म सहना चाहिए क्या? आतंकवादी मस्जिद पर वहां गोली चलाने चलाने देने चाहिए क्या? हम तो फोड़े फोड़ने देने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, अब आतंकवादियों को पता है कि अब अगर गलती किए तो ये मोदी है, आतंकवादियों को खोलेगा और फिर गवर्नमेंट खुश करके मारेगा। आप बताइए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए।
जो कांग्रेस कहती है कि कश्मीर से सेना को हटा देंगे, जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देंगे, देशद्रोह का कानून हटा देंगे, क्या ऐसी कांग्रेस आतंकवाद खत्म कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, आज हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए ये प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने के लिए लंबी कतार है। कर्नाटक में जो 8 सीट लड़ रहे हैं, 8, वो भी कहते हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें से कोई 30 सीट लेने वाला कहता है प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई 40 सीट वाला कहता है प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और सब जाति परवा बना करके रेडी रखा है। आप मुझे बताइए, ये जितने चेहरे हैं, दिल्ली चेहरे हैं, वैसे आप ऐसा नहीं, ये मुझे खुश करने के लिए बोलेंगे नहीं चलेगा, ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, कुछ मीडिया वालों को दुखी करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये कांग्रेस वालों की नींद खराब करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना है। जो आपके दिल से आवाज है वो निकलनी चाहिए। मोदी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे बताइए कौन खत्म कर सकता है? आपको पूरा भरोसा है ये मोदी कर सकता है? भाई बहनों, कमल के निशान पर पतंग लगाओगे तो विश्वास करो कि आप आतंकवाद को मारने की तैयारी कर रहे हो। इस बार कमल पे पतंग पे निशान पे दबाना ये सिर्फ मतदान नहीं है, ये आतंकवादियों का सफाया का संकल्प है। भाई बहनों, ये चुनाव में आप कमल के निशान पर पतंग दबाओगे तो आप विश्वास रखिए कि आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा, मोदी के लिए है। आपको वोट मोदी के लिए देना है, एक चौकीदार के लिए देना है। आप चाहते हैं चौकीदार मजबूत बने, आप चाहते हैं चौकीदार मजबूत बने, आप चाहते हैं चौकीदार मजबूत बने, तो मेरे साथ एक संकल्प करेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बुलवाता हूं, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्ग भी माता बहन बलान में देश के अंदर सीमा पर भी डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक प्रोफेसर
ऊपर मत चलो ऊपर। चल मेरे भाई चल।